सीहोर जिले की चारों विधानसभा की मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने मतगणना के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से ये जानकारी दी। सर, मतगणना की क्या तैयारियां हैं? देखिए, कल दिनांक 3 दिसंबर को यहाँ सीहोर जिले की चारों विधानसभाओं की मतगणना होनी है। ये मतगणना जिला स्तर पर हो रही है और जो हमारा शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है यहाँ पर ये चारों विधानसभा मतगणना होगी। मतगणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। 7:30 पर स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाएगा पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स और उनकी उपस्थिति में। 8 बजे से जो मतगणना चालू हो जाएगी डाक मतों पत्रों की और 8:30 बजे से जो है ईवीएम जो है उसके पहले राउंड की मतगणना शुरू हो जाएगी। इस पूरी व्यवस्था में जिन लोगों हमने पास जारी किया है वही लोग उस पूरे कैंपस में एंटर कर पाएंगे। गेट क्रमांक 1 जो है जो मेन रोड की तरफ है उस पे मीडिया के साथी, राजनीतिक दलों के लोग और जो काउंटिंग एजेंट है जिनको पास जारी किए गए हैं वो लोग आएंगे। और जो गेट नंबर 2 पीछे बना हुआ है उस पे शासकीय कर्मचारी जिनको सफ़ेद कलर का कार्ड जारी किया गया है वो लोग आएंगे। इस मतगणना में लगभग 450 के आसपास कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। सबसे पहले 100 मीटर पे जो घेरा है उस पे जिले का बल है। उसके बाद में सबसे जो नंबर 2 का घेरा है जहाँ पर दोनों पहले और दूसरे दोनों घेरों पे चेकिंग हो रही है उस घेरे पर जो है सशस्त्र बल लगा हुआ है। और सबसे अंदर जो हमारा मेन स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पर CRPF की टीम लगी हुई है। ये मतगणना जो है चारों विधानसभाओं की लगातार चलेगी। हमारे यहाँ जो राउंड्स हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुधनी विधानसभा में 22 राउंड्स गणना चलेगी, आस्था में 20 राउंड, सीहोर में 19 राउंड और इच्छावर में 20 राउंड लगेंगे। मतगणना में चारों विधानसभा का परिणाम लगभग एक साथ आए इसलिए हम लोगों ने बुधनी और आस्था, क्योंकि यहाँ पर मतदान केंद्र ज़्यादा है तो 17 टेबल पर मशीन गिन रहे हैं और बाकी दोनों विधानसभाओं में 14 टेबलों पर मशीन गणना की जा रही है। और कल शाम को जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे उसको हम लोग जो है आयोग की वेबसाइट पर चढ़ाएंगे तो सब लोग जो है वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से और trends.eca.nic.in पर भी देख सकते हैं। तो जो रिजल्ट मतगणना हॉल में जैसे ही एंटर होगा वैसे ही आयोग की वेबसाइट और इन दोनों पोर्टल्स पर दिखना शुरू हो जाएगा तो आप लोग उस पर भी देख सकते हैं हम लोग जो रिजल्ट को देखना चाहें। धन्यवाद। बहरंदा से नफीस मंसूरी की रिपोर्ट।